आज हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के न्यू चैप्टर मैट्रिसेज अर्थात मैट्रिक्स के बारे में जो टॉपिक है उसको हम लोग सीखेंगे। जो आप लोग ट्वेल्थ क्लास में मैट्रिक्स या मैट्रिसेज के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, मगर उसे थोड़ा अलग ढंग के यहाँ पर मैट्रिसेज और मैट्रिक्स को समझना है। रैंक मैट्रिक्स है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है, एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, इसी तरह से सिमेट्रिक्स हर्मिटियन मैट्रिक्स है, इस तरह से बहुत सारे मैट्रिक्स को हम लोग को समझना है। मगर बेस जो रहेगा आईएससी सेकेंड ईयर में पढ़े हैं उसी का बेसिक ही लिया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के। करें एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए का ट्रांसपोज माइनस ए का कंजुगेट। जो पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि ट्रांसपोज क्या होता है, रो कॉलम में बदल जाता है, और कंजुगेट क्या होता है, आई वाला जो स्टेप होता है ना, प्लस होगा तो वह माइनस में बदल जाएगा। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स जानकारी है, ये है मैट्रिक्स ए सच दैट ए ए का बल्कि ट्रांसपोज बराबर माइनस ए का कंजुगेट इज सेड टू बी ए एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। चलिए हम लोग देखते हैं। मान लिया कि बी बराबर इतना है, ए का कोई मैट्रिक्स ले लेंगे और उस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, आप कंजुगेट कर दीजिएगा। अब उसी कंजुगेट को हम ट्रांसपोज कर दिए, तो देखिए ट्रांसपोज लिए तो ए का ई ट्रांसपोज हो गया, आई ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल मगर कंजुगेट रह गया। अब क्या करते हैं, अब जो बी वाला स्टेप है उसी बी पर हमने क्या किया, कंजुगेट चढ़ा दिया। तो कंजुगेट चढ़ाया है तो यहाँ पर ए है, अब माइनस ए का कंजुगेट और कंप्लीमेंट है यानी ट्रांसपोज है। तो देखिए ये कंजुगेट जो है ये अब ए पर आ जाएगा और ए का ऑलरेडी कंजुगेट था, तो कंजुगेट से कंजुगेट कैंसिल और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो आप इसमें माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया गया है, तो ये जो स्टेप है आपका बी के जैसा बन गया, बी के जैसा बन गया। तो इतना के जगह पर हम क्या रख दिए, बी रख दिए, माइनस है तो माइनस कर दिए। तो यानी ए का जो बल्कि कंजुगेट है वह बी के ट्रांसपोज के बराबर, बल्कि जो स्टेप आएंगे जो भी हम उसको ट्रांसपोज निकालेंगे या कंजुगेट निकालेंगे, तो इस तरह के जो आएंगे मान वही सभी मान को हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी उस सभी मान को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका बल्कि एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ए का जो कंप्लीमेंट है वह क्या रहेगा, बी का बल्कि कंजुगेट के बराबर। तो ये भी जो भी कंजुगेट हम लोग निकाले हैं इसको प्लस के माइनस और माइनस के प्लस कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये जो आया है बी का कंप्लीमेंट और यहाँ पर ये सब का क्या है, ये आपका इसका ट्रांसपोज है। तो ये ट्रांसपोज है और यहाँ पर ये क्या है, कंजुगेट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ट्रांसपोज कंजुगेट बराबर हो गया। तो आप माइनस को इधर लिखो या इधर लिखो, यानी उसी के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, ये बराबर हो गया। तो इट्स एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स फॉर्म, इस तरह के जो भी फॉर्म आएगा हम उसको बोलेंगे एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स का फॉर्म है। यानी इस तरह के टॉपिक आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं।